ठीक है, तीन अलग अलग प्रकरण अलग अलग जगह पंजीबद्ध हैं और इसने अपने आप को प्रेस में परब बताते हुए इसमें पैसों की मांग की थी, जो कि मुंबई और पुणे के आपराधिक रिकॉर्ड में एक कुख्यात अपराधी है और उसका नाम लेकर के उसने यहाँ पर ये पैसे की मांग के लिए फोन किया था। इसमें जो बात इसमें आगे सामने आई है कि इसमें एक चिराग जोशी से उसका संपर्क हुआ, जिन्होंने इंदौर की एसटीएल कंपनी के मालिक से पैसे का लेन देन बकाया होने के चलते इसको धमकाने के लिए हायर किया और उसमें एसटीएल के कंपनी के मालिक को जब इसने कॉल किया तो उसमें जो पैसे का लेन देन था वो और वर्तमान मालिक से पूर्व का था, जिस समय रमेश बहेती जी का मालिकाना हक था उस कंपनी पे, एसटीएल कंपनी पे। इस वजह से उसने ये बहेती जी को कॉल किया था और इसमें पुलिस को एडी साहब को सूचना देने के तत्काल बाद से ये पूरी टीम ने कार्रवाई करते हुए इस बदमाश को गिरफ्तार किया है और इसमें जो अन्य भी लोगों के शामिल होने की जो संभावना है उस बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन जारी है और चूंकि इसमें इसने दूसरे व्यक्ति के नाम से कॉल किया है तो उसमें धारा बढ़ाई गई है और पैसों की उगाही के चलते धारा 386 आईपीसी गंभीर धारा है जो लगी है और उसमें शीघ्र ही इसमें प्रकरण में विवेचना पूर्ण करके और आरोपी को उचित सजा दिलाने के लिए प्रकरण न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। थाना कनाडिया में कुछ दिन पूर्व कंप्लेंट रिसीव हुई थी कि ये संजय भारती जी हैं, उनकी काउंटी वर्क टाउनशिप झलारिया इंदौर में रहते हैं, उनको दो मोबाइल अलग अलग मोबाइल नंबरों से धमकी के साथ में पैसों की मांग के कॉल्स आ रहे थे, जिसमें एडीजी इंदौर श्री वरुण कपूर सर को शिकायत की गई थी और उनके द्वारा अत्यंत गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए स्टाफ को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। इसमें 323/19 एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी, धारा 386, 419, 506, 507 आईपीसी के तहत और इसमें क्राइम ब्रांच की टीम को तत्काल कार्रवाई के लिए एडीजी सर द्वारा निर्देशित किया गया था और उसमें जो अज्ञात नंबर थे और अज्ञात कॉलर थे उसकी डिटेल्स जो है टेक्निकल सेल की मदद से उसकी पूरी डिटेल्स निकालते हुए इसमें ये थ्रेटनिंग कॉल्स मुंबई से आना ज्ञात हुआ था और उसमें एक टीम गठित करके अविलंब मुंबई के लिए रवाना की गई और वहाँ जो कॉलर था उसको आइडेंटिफाई करके टीम ने घेराबंदी करके पकड़ा और उसको ला करके थाना कनाड़िया के इस प्रकरण में गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो कॉलर था अननोन कॉलर उसका नाम सूरज दुबे, पिता समरसेन दुबे, ये 21 वर्ष की उम्र का है जो रामबाग कल्याण वेस्ट मुंबई में रहता है, इसके द्वारा ये कॉल किया जाना कबूल किया गया है और पूछताछ पे इसने बताया कि ये 12वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ है, कुछ विशेष नहीं करता है, इसका गुंडागर्दी और आवारागर्दी करना ही इसका काम है और अपनी जो शौक है उनको पूरा करने के लिए ये इस प्रकार से टैक्स गुंडा टैक्स के रूप में ये पैसों की उगाही करता है और वहाँ मुंबई में इसके जब वहाँ से रिकॉर्ड लिया गया है तो उसके कुछ और मामले भी सामने आए हैं। इसके ऊपर एक 324, 307 और 326 ऐसा करके आईपीसी के तीन अलग अलग प्रकरण अलग अलग जगह